दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज आपको मैं बहुत ही टेस्टी सर्दियों में बनने वाले परांठे बहुत ही टेस्टी बता रही हूँ, चीज़ी परांठा। तो इसकी रेसिपी ये है और ये इसकी सामग्री है। ये मैंने बंद गोभी ले ली एक कटोरी, एक कटोरी कटा हुआ प्याज, कॉर्न्स और ये चीज़, और ये थोड़ा सॉस लिया है और धनिया, हरा धनिया। और ये मैं इसको मैश कर रही हूँ इन सबको। जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। और ये मैंने कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, देखिए इस तरीके से। ये मैं कॉर्न्स डाल रही हूँ और ये मैंने चीज़ डाल दी है। बहुत ही टेस्टी परांठे बनने वाले हैं, देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका और सर्दियों में तो बहुत ही बेहतरीन लगते हैं बच्चों को भी। सॉस भी मिक्स कर दिया है मैंने और ये मैं अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। नमक रखा है मैंने, ये और गरम मसाला और लाल मिर्च है। ये मैं स्वादानुसार अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप भी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने गरम मसाला डाल दिया आधी चम्मच और ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है क्योंकि बच्चों के मुंह में आती हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और मैंने ये आटा गूंथ के रखा था। बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जिस तरह आप रोटियों के लिए गूंदते हैं, परांठों के लिए गूंदते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया नहीं। और अब मैं इनको बेलूंगी। लोइयाँ बन चुकी हैं, देखिए इस तरीके से बेलना है आपको। जिस तरह से आप नॉर्मल परांठे बनाते हैं उसी तरीके से आपको ये भी बनाना है। और ये मैंने थोड़ा सा आटा इसमें लगा लिया है ऊपर से, क्योंकि हमारी स्टफिंग जो है ये थोड़ी मतलब हल्की, मतलब इसमें गीलापन है क्योंकि इसमें प्याज है और प्याज डालते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो थोड़ा पानी छोड़ता है, तो इसलिए अब इससे ये होगा कि हमारे परांठे फटेंगे नहीं और बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेंगे, क्रिस्पी। और ये देखिए इसी तरीके से हल्के हाथ से आपको बनाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। देखिए बहुत ही इजी हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आते हैं और हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। देखिए हल्के हाथ से इस तरीके से बेलना है आपको, जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। और देखिए मैंने बेल के तवे में डाल दिया है और ये मैंने अब इसमें ऑयल लगा लिया है। ये परांठा मेरा बनके रेडी है। ओके, अब मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ और ये मैंने सर्व कर दिया। आप भी अचार, चटनी, दही, रायता किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं सर्दियों में। आप भी इसी तरीके से अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना चीज़ी परांठा बना है हमारा और गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, नमस्ते।